हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। हमने पार्ट वन किया था अभी, अब हम जो है पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट वन में एक मिस्टेक हुई है, वहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन था नोएडा वाला, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में किसने अच्छा किया, तो जो मैंने नोएडा बताया था उसकी जगह वो मेरठ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन वाला है, एक मिनट। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जो है मेरठ हो जाएगा, मीरत। ये जो है हमारा मीरुद्ध है, मेरठ। ये 19 का ए, ठीक। अब हम जो है हमने 68 तक क्वेश्चन किया था, अब हम उसके आगे चलते हैं। यहाँ से 68 विद रिफरेंस टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई फ्री फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरन एक्सचेंज मार्केट। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे केवल 68 का वन सही है, ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनन ऑफ टैक्सेशन इज नॉट रिलेटेड विद द टू एडम स्मिथ। तो कैनन ऑफ सफिशियंसी जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज आर सेटिस्फाइड बाई द फिशर आइडियल इंडेक्स। तो फैक्टर और टाइम रिवर्सल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे 71 है, 71 है हमारा। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्सन ने दिया है हमारा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ हमारा जो दिया है एडम स्मिथ ने दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने, और इकोनॉमिक्स जो दिया है हमारा सैमुलसन ने। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 72 हमारा पूछा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल्स टू वाई, ठीक। तो ए सही हो जाएगा हमारा पे। 73 हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए क्या ऑप्शन जो है करेक्ट सही है। तो वन मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2014, ये भी सही है। और ये जो है दूसरा वाला वो भी सही है। तो वन एंड टू दोनों सही है, ठीक। अब 74 है सैलरीज एंड डियरनेस अलाउंसेज ऑफ एम्प्लॉई एंड डिटरमाइनिंग विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग होता है। तो बी 75 हमारा हो गया कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन। तो सिग्मा अपन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई 100। 76 है हमारा हाई पावर्ड मनी में जो इंक्लूड नहीं होता है, तो हमारा फार्मूला होता है सी प्लस डी। तो करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, तो यहाँ पे 2 और 4 इंक्लूड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। 78 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेथड ऑफ मेजरिंग द कोरिलेशन। तो स्कैटर्ड कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन मेथड होता है, ठीक। उसको हम रैंक डिफरेंस मेथड भी बोलते हैं। तो ये तीनों हो जो हो जाएंगे, तो हमारा 78 का जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक। जो कि उसका नाम होता है रैंक कोरिलेशन मेथड, जिसमें हम रैंक के बीच डिफरेंस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। तो अब हमारा जो है 79 है, 79 है हमारा एज पर द यूनियन गवर्नमेंट बजट प्रोविजन फॉर द ईयर 2020-21। तो कौन सा हमारा सही है यहाँ पे? तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। पहले हमारा जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर हमारा है स्टेट शेयर, फिर हमारा जो है सब्सिडी एंड पेंशन, फिर उसके बाद है थर्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक। और फिर हमारा है टी का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सीलरेशन थ्योरी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है एफ्टेलियन, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी कंट्रीज वेयर द मेम्बर ऑफ, ये 164 हो जाएगा, हु प्रोपाउंडेड एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर 82 आरएफ काहन। फिर हमारा है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो रीस्टेटमेंट है उसका कौन सा करेक्ट है? तो इसमें पॉजिटिव रिलेशन विद मनी सप्लाई एंड मनी जीएनपी जो है सही है, अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन वन हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो है मीन हमारा जो है ग्रेटर देन हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन एचएम, ठीक। एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम हो जाएगा। 85 इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू किन्सियन। तो इफेक्टिव डिमांड डिटरमाइंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सही है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होता है। इन्वेस्टमेंट डिमांड अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड, तो ये तीसरा गलत है। 86 का 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 87 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक। 88 है हमारा ही विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द एक्सपेंडिचर टैक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कार्लडोर, ठीक। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर
89 परचेजिंग पावर पैरिटी इज प्रोपाउंड थ्योरी गिवन बाय गस्टव कैसल है अंडर विच कंडीशन अ कंपटेटिव फर्म इज इन शॉर्ट रन विल सीज द प्रोडक्शन व्हेन द प्राइस इज, तो प्राइस हमारा इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा या लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा जो है ये बंद हो जाता है, तो सी हो जाएगा। 91 हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला AFC होता है, तो डी हो जाएगा। 92 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट ए गिवेन इन द फॉलोइंग डायग्राम, तो यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन इसका नहीं पता, कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 94 वैल्यू ऑफ द मीन डेविएशन इज मिनिमम, तो ये मीन से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मिनिमम आता है। और फिर उसके बाद है कंज्यूमर विल परचेज मोर ऑफ गुड वाई देन गुड एक्स ओनली व्हेन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। 96 है हमारा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ टैक्स वेरिएबल इम्पैक्ट अपान, तो यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी हो जाएगा, ठीक, और टैक्स एरिया नहीं होगा हमारा यहाँ पे, ठीक। और रही बात जो है हमारा शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेस, तो ये जो है टाइम और लॉज ऑफ रिटर्न, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। और हाँ 97 हमारा है हु रोट द बुक हाउ टू पे फॉर द वार, तो J.M. किन्स ने लिखा है। 98 है हमारा हो जाएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाला कांडला। 99 है हु इज़ द ऑथर ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया हमारे हो जाएंगे 99 के जो है राइटर, ठीक। उसके बाद है हमारा 100 हु इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजी सिक्वेंस ऑफ द बर्थ ऑफ फॉलोइंग, तो सबसे पहले हमारा आया था IMF, ठीक, IMF आया था IBRD के साथ 1945 में, GATT आया था फिर 1947 में, एशियन डेवलपमेंट बैंक आया था 1964 में, फिर हमारा WTO हो जाएगा 1995 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इनकॉर्पोरेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सैमुलसन हो जाएगा, ठीक। इस वाले में हमारा जो है SDG का डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है थोड़ा डीपली था, तो मैंने चेक किया नहीं है, तो आप जो है देख लीजिएगा 102 का क्या होगा। और यहाँ 103 का जो है हमारा नेट एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो है नेट जो एक्सपोर्ट होता है एक्स माइनस एम जो है हमारा जो है वही होता है, आप इसको जो है उसका पार्ट बोल सकते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड इनकम अर्न बाय नॉन रेजिडेंट इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक। तो ये जो है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में है और नेट एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे जो है बोथ ए एंड आर सही हो जाएगा, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, बी हो जाएगा यहाँ पे, 103 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश बाई, तो ईयर 1990 में हुआ था, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर इनकॉर्पोरेटेड इन पिकॉक वाइजमैन पब्लिक एक्सपेंडिचर हाइपोथेसिस, तो इंस्पेक्शन डिस्प्लेसमेंट और कंसंट्रेशन इफेक्ट इन्होंने दिया था 2, 3 और 4, ठीक। तो अब हमारा हो गया यहाँ पे 106 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, तो क्वालिटेटिव में हमारा रासनिंग डायरेक्ट और मोरल सिचुएशन आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन हमारा क्वांटिटेटिव है, तो 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वॉज फॉर्म बाई द मर्जर ऑफ प्रेजिडेंसी बैंक, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। मोनोपोलिस्ट यूजेज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू, तो मोनोपोलिस्ट यूज करता है अपने प्रॉफिट के लिए, तो अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट यूज करते तो यानी डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये 245 यानी 2045 तक हमारा जो है स्टेबलाइज करने का होता है पॉपुलेशन का, 109 का है अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक। अब हमारा है 1110 द फ्रेज कोड प्रो इज अप्लीकेबल टू स्पेशल असेसमेंट, तो ये कुछ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए जो है टैक्स यूज किया जाता है, तो जैसे को तैसा इसमें यूज होता है, ठीक। स्पेशल असेसमेंट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन एंड लेविड इन प्रोपोर्शन टू द स्पेसिफिक बेनिफिट डिराइव, आप इधर बगल में हिंदी आप देख सकते हैं, तो ये जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एंड आर ट्रू है एंड करेक्ट एक्सप्रेशन आप ए। इन केस ऑफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व विल बी एल शेप्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, तो मालदीव यहाँ पे हो जाएगा, ठीक, मालदीव हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है हमारा 1130, इसमें जो है हमारा पीएम किसान जो हुआ था वो हमारा 2016 में आया था, ठीक, किसान फसल योजना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ रिवील प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसमें जो है मोनोटोनिसिटी और कंसिस्टेंसी और रैशनलिटी होती है, ट्रांजिटिविटी नहीं होती है, ठीक। अगर ए को वो प्रेफरेंस करता है ओवर बी तो वो ए ही को ही प्रेफरेंस करता है अकॉर्डिंग टू सैमुलसन, ठीक। ट्रांजिटिविटी का एक मतलब होता है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक। विद रेफरेंस टू स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसमें 1, 2 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हमारा है 1116 का ग्रुप इक्विलिब्रियम, किसने दिया था, चैम्बरलिन है, जो कि हमारा जो है ओलिगोपॉलिस्टिक के लिए है। विच ऑफ द मोनोपॉलिस्टिक के लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट टू डिस्क्राइब द फैमिली एक्सपेंडिचर, तो हिस्टोग्राम। फिर ये IMF हमारा जो है SDR है, IBRD हमारा लोन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IDA है, फिर हमारा जो है हो जाएगा कन्वर्सियल लॉन्ग टर्म लोन। IFC है, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनीज। अब हमारा जो है लास्ट हम देखते हैं 119 है हमारा, 118 हो गया, 119 क्वेश्चन है हमारा। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज द सोर्स ऑफ FDI इनफ्लो इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो सबसे ज़्यादा हमारा इन्फ्लो है सिंगापुर का, और पहले हमारा आएगा डिसेंडिंग घटते हुए, तो सबसे ज़्यादा हमारा सिंगापुर है। सेकेंड है मॉरिशस, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। फिर UAE है, फिर USA, तो 119 का यानी 119 का डी हो जाएगा, सबसे पहले सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर UAE, फिर USA। और फिर हमारा 120 का है द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 हाईलाइटेड द डिजायरेबिलिटी ऑफ यूजिंग फॉलोइंग टाइप ऑफ फिजिकल पॉलिसी फॉर इनेबलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, तो काउंटर साइक्लिकल हमारा पॉलिसी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और पार्ट 1 देखने के लिए अभी मैंने अपलोड किया है कुछ देर पहले, आप उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।